खून निकल रहा है, धीरे 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 देखो कितना घटना स्थल कुआं के अंदर स्लिप करने से, ठीक है, पानी की समस्या के कारण उसने झांका होगा कुआं को, और झांकने के बाद उसका बैलेंस ना संभालने के कारण वो कुआं पे गिरा। क्या समस्या है यहाँ पानी की? पानी की बहुत ज़्यादा जटिल समस्या है हर जगह। इस गांव में कहीं भी पानी उपलब्ध नहीं है। सरपंच को चाहिए कि टैंक बुला के हर मोहल्ले में व्यवस्था बनाएं, जैसे हर गांव में हो रहा है। कहाँ से पानी जाती है आपने? पानी तो नदी से आ जाएगा, बोर से आ जाएगा। अरे ग्राम सारस ताल है, जहाँ सुबह खबर आई कि वहाँ के कुएं में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। थाने से स्टाफ भेजकर तस्दीक कराई गई तो उसी गांव का एक मंगलू पिता फूल साया गया, जिसकी उम्र 45 साल है, उसके डेड बॉडी कुएं में पाई गई। थाने में मर्ग कायम कर उसकी जांच की जा रही है और उसके डेड बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट में जो आएगी रिपोर्ट, उसके आधार पर उसकी कार्रवाई की जाएगी और इसकी जो जांच है थाना प्रभारी स्वयं गंभीरता से कर रहे हैं। वहाँ बता रहे हैं जल संकट। हाँ, जल संकट तो है, पर हम लोग मर्ग को बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं, ये घटना घटित हुई कैसे। पूरी रात यहाँ पर पानी भरा जाता है, पूरी रात। खून निकल रहा है। धीरे 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 देखो कितना।